हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम जा रहे हैं शिमला के तारा देवी मंदिर। तो आपको करवाते हैं सैर तारा देवी मंदिर के। मेरे साथ है निशिता। हेलो हेलो। आख्यात और पीछे सारे लोग फैमिली। ये शिमला का शोघी बाजार है। शोघी शिमला से 13 किलोमीटर चंडीगढ़ शिमला हाईवे पे। यहाँ से हम ऊपर तारा देवी के लिए मुड़ते हैं और ये हम सामने मेन हाईवे से ऊपर तारा देवी के लिए मुड़े हैं। यहाँ से ऊपर जाते हैं। तो भाइयों, ये है आनंदपुर है और यहाँ से मुड़ते हैं तारा देवी के लिए। ये देखिए ऊपर गेट दिखाओ, ये तारा देवी का गेट। यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई शुरू होती है, मतलब बहुत डेंजरस वाली चढ़ाई है। ड्राइवर यहाँ पे वही आ सकता है जो अच्छा ट्रेन ड्राइवर हो, क्योंकि जो हमारा ड्राइवर था जिसने मुझे सिखाया था, वो फाइनली फाइनल ट्राई के लिए मुझे यहाँ लेके आया था। उसका ये कहना था कि जो आदमी यहाँ से गाड़ी चढ़ा ले वो फिर फाइनली ड्राइवर बन जाता है, क्योंकि हम बहुत खतरनाक से मोड़ आते हैं, खड़ी चढ़ाई खतरनाक से मोड़। देखिए आप, तो भाई ये खड़ी चढ़ाई चढ़ा रहा हूँ काफी सालों बाद, छोटे छोटे से मोड़, बहुत डेंजरस। तमता बड़े है ड्राइवर भाई। ये देखिए, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता की करता जा। और फिर से अरी मेरी गोद में, माता के मंदिर जाने तक इसकी ड्यूटी जो है वो फिक्स है। क्या जय माता की। तारा देवी मंदिर शिमला, ये देखिए सामने माता रानी। काफी लोग, संडे वाला दिन है तो यहाँ पर काफी भक्त लोग आते हैं, आमतौर पे भी आते रहते हैं, लेकिन संडे को ज्यादा रश होता है। जय माता। जय माता बेटा, जय माता। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। तो फ्रेंड्स, ये है तारा देवी मंदिर, बहुत हाइट पे है। यहाँ से अगर हम चारों तरफ कैमरा घुमा के देखें तो पूरा शिमला आपको नजर आने वाला है। यहाँ से बहुत सुंदर, टॉप पे है बिल्कुल, बहुत सुंदर चारों तरफ शिमला नजर आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल नीचे सड़क अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ से हम ऊपर आए हैं और ये नीचे हम शोघी देख पाएंगे। और ये देखिए चारों तरफ घुमाकर पूरा शिमला हमें दिखने वाला है। यहाँ से पेड़ों के पीछे वहाँ पर बालूगंज यूनिवर्सिटी समर हिल, और अगर हम यहाँ से आगे निकल जाएं तो सामने रिच माल रोड से लेके संजौली तक सारा शिमला आपको यहाँ से नज़र आएगा। जतिन, अब हम कहाँ जा रहे हैं पीछे बताओ? दोधाधारी मंदिर। दोधाधारी मंदिर, ये कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पीछे जाके। ठीक है जी, ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं दोधाधारी के मंदिर जी, ठीक माता के मंदिर के पीछे है। तो फ्रेंड्स, मेरे ठीक पीछे ये रास्ता है, जंगल से आने वाला रास्ता। हम लोग बचपन में यहीं से आया जाया करते थे, क्योंकि पहले ये जो रोड था वहाँ से बस वाला और गाड़ी वाला ये नहीं हुआ करता था, तब हम लोग यहाँ से आते थे। मैक्सिमम लोग यहीं से आते थे। नीचे स्टॉप है तारा देवी बस स्टॉप, वहाँ से हम लोग जंगल से होते हुए 3-4 किलोमीटर का जो सफ़र है वो पैदल यहाँ से कर कर आते थे।
फिर माता के दर्शन करते थे। अब तो चीज़ें आसान हो गई है, बसेज आती हैं, कार आ जाती है यहाँ पे। अब पहले पैदल आते थे और बहुत इन्जॉय करते थे, बीच में पिकनिक करते थे, खाना वाना खाते थे। यहाँ पे भी हर संडे को भंडारा होता था, कई बार यहाँ पे हम खाना खाते, लंगर जो जिसे कहते हैं वो खाते थे, और बहुत इन्जॉय करते थे यहाँ। चल बस रुलाए गए क्या? और ये हम आ गए हैं दूधाधारी के मंदिर, बिल्कुल ऑपोजिट है ये तारा माता के मंदिर के, बहुत हाइट पे। लिटिल सिंघम हेलो। जय कर ली? जय कर ली। कर ली? कर ली। ओके। और ये कुत्तों का युद्ध मंदिर में, ऐरी डर के मारे वहाँ ऊपर चढ़ गया है। फोटोग्राफी मंदिर में क्या चड़ी? नहीं चढ़ी डर के मारे? ये लड़की भी डर के मारे ऊपर चढ़ी थी। डर गई। और ऐरी की फोटोग्राफी, वाह ऐरी का स्टाइल। क्या करोगे? किसकी? मेरी और मम्मा की? आप खींचेंगे? कैसे कैसे दिखाओ कैसे? मैं खड़ा हो गया हूँ, स्माइल करें। यस ओके। ये हमारा फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है। आज की डेट में कौन किसकी तस्वीर खींचता है? मैं खींचता हूँ। वाह बहुत अच्छे हो गया। वेरी गुड। तो दोस्तों ये था तारा देवी मंदिर। अगर आप लोग शिमला आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, बहुत खूबसूरत जगह है, साथ में माता का आशीर्वाद भी मिलता है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम हिमाचलाइट AK।